हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, इंडियन रिवर सिस्टम में आज हम लोग चंबल रिवर के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। इसका ओरिजिन कहां पर हुआ है और इसके जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से हैं, और भी इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगे उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं चंबल रिवर के बारे में। चंबल रिवर का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, मतलब ये कहाँ से निकलती है? तो ये जनपाऊ हिल्स से निकलती है जो कि विंध्यन रेंज का ये एक पार्ट है, और ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ से चंबल रिवर का ओरिजिन हुआ है, मतलब यहाँ से चंबल रिवर निकलती है और फ्लो करती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूशन फ्री रिवर ऑफ इंडिया। मतलब ये ऐसा रिवर है जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, मतलब ये फ्रेश रिवर है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इट जॉइंस द यमुना इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये यमुना रिवर को ज्वाइन करता है इटावा डिस्ट्रिक्ट में, और ये उत्तर प्रदेश में है, इटावा डिस्ट्रिक्ट, ये जान लें। अब इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं उन सभी को जान लेते हैं। ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब कि सहायक नदी, जैसे कि ये मेन रिवर फ्लो हो रही है तो इसके जो आसपास से जो रिवर आके मिलते हैं, जो नदियाँ आके मिलती है, इन सभी नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, और जिसको हिंदी में सहायक नदी बोला जाता है। तो ये कौन कौन से हैं चंबल रिवर के सहायक नदी? तो ये है बानस है, काली है, काली सिंध और पारावती इसके सहायक नदी हैं चंबल रिवर के। ये टोटल तीन इसके सहायक नदी हैं चंबल रिवर के। अब नेक्स्ट जानते हैं, ये मैप में देख लें, ये चंबल रिवर ये फ्लो हो रहा है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा जो दिख रहा है, और इसमें काली सिंध है, बानस रिवर और पार्वती रिवर जो कि इसके सहायक नदियां हैं चंबल रिवर के, और ये जाके यमुना रिवर में मिल जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश में मिलती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसमें जो पावर प्रोजेक्ट्स या फिर जो डैम बने हुए हैं चंबल रिवर में उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तो ये गांधी सागर डैम बना हुआ है, राणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है, और जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज, ये सभी पावर प्रोजेक्ट्स इस चंबल रिवर में बने हुए हैं। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, इसके ट्रिब्यूटरीज और पावर प्रोजेक्ट या फिर डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद कर लें। अब आगे जानते हैं चंबल रिवर से रिलेटेड, द नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड अलोंग द चंबल ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जो नेशनल चंबल सेंचुरी है वो ये तीनों स्टेट के ट्राई जंक्शन में सिचुएटेड है, जो कि चंबल रिवर में सिचुएटेड है, और ये राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बॉर्डर शेयर करता है ये नेशनल चंबल सेंचुरी जो बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नॉन फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, द रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड द इंडेंजर्ड गंगेस रिवर डॉल्फिन, इसके लिए ये फेमस है, इन सभी के लिए, जो इंडेंजर्ड घड़ियाल है इसके लिए, और ये रेड क्राउंड रूफ टर्टल के लिए, और इंडेंजर्ड गंगेस रिवर डॉल्फिन, ये तीनों के लिए ये चंबल रिवर काफ़ी फेमस है। ये घड़ियाल वाला पॉइंट याद रखें, क्योंकि घड़ियाल जो होता है मगरमच्छ का ही एक टाइप होता है, जिसके मुंह थोड़ा लंबे लंबा टाइप का होता है और उसमें दांत लगे हुए होते हैं, तो ये घड़ियाल जो होता है जो चंबल रिवर में पाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इंडियन जीएस को। जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, जो कि एग्ज़ाम परस्पेक्टिव्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू दोस्तों।